प्राइस भी बहुत सही है। मेरा ख्याल है 20 साल हो गए मेरे को। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आज साउथ इंडियन कॉर्नर, जो कि दिलशाद गार्डन में एक बहुत फेमस दुकान है। और ये इतनी फेमस है कि क्या बताऊँ यार, कितनी फेमस है। अभी रिव्यूज़ से सुन लेना आप। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ आना कितना वर्थ है। इसीलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक और एड्रेस प्रॉपर डाल दिया है। तो आप यहाँ आइए और अपना डोसा इन्जॉय करिए, स्पेशली पिज़्ज़ा डोसा। हम आए भैया के पास, भैया ओनर शॉप के। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरुगन है। मुरुगन, तो आप यहाँ पर कितने टाइम से ये वाली शॉप चला रहे हैं? ये वाला 15 ईयर्स। और भीड़ आज भी वैसी है जैसे पहले दिन से थी? कितना टाइम हो गया आपको मार्केट में? 25 ईयर्स। ओके, तो जैसा कि आप इतना टेस्टी डोसा बना रहे हैं, तो इसकी कुछ सीक्रेट रेसिपी है क्या? सीक्रेट क्या, हमारे स्पेशल आइटम है तो हमारे को ऑटोमेटिक तो हमने देखा कि आपने काफ़ी इनोवेटिव नए नए डोसा भी ट्राई करे हैं, जैसे पिज़्ज़ा डोसा वगैरह। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या क्या इनोवेटिव डिशेज आपने? नया डोसा पिज़्ज़ा डोसा इंट्रोड्यूस किया, वो अच्छा रहा। और उसके अलावा कोरोना मतलब स्प्रिंग। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब कोरोना के बाद से बिजनेस कैसा इफेक्ट हुआ है, मतलब कुछ लॉस वगैरह आया है या नहीं? लॉस नहीं, बट जो कोरोना में बंद था वही लॉस है, बाकी उसके बाद तो हमारा लोगों ने फिर भी आना चालू रहा है। अच्छी बात है, बराबर आए हैं ऐसे। तो इसके अलावा आपकी मतलब पहले भी कोई और ब्रांच थी क्या? या अभी है? इधर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने है ब्रांच, अभी चल रहा है 5-6 साल हो गया। तो एक शालीमार गार्डन में भी है। जी 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 जी, हम लोग तो यहाँ जब भी आए हमने ज्यादातर फैमिली डोसा ही खाया। मैं तो यमुना पार का कहूँगी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? मेरा ख्याल है 20 साल हो गए मेरे को। अच्छा, मतलब आप बहुत पुरानी कस्टमर हैं। अच्छा डोसा वाकई बहुत, इनका ना बिहेव भी बहुत अच्छा। वैसे देखो रेट के अलावा ना इन लोगों का बिहेव बहुत अच्छा। हाँ, बिहेवियर बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी जी, बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं। हाँ जी हाँ जी, और मैंने देखा कि हर चीज साफ सुथरी। जी जी जी, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों से कि आना चाहिए यहाँ पे? बहुत बढ़िया है और जो सेफ्टी भी अच्छी है। अच्छा, हाँ मतलब साफ सफाई थी। हाँ, बहुत अच्छी। बाकी ये लोग ना बहुत अच्छी तरह करते हैं जी। आप कभी भी आओ, क्या चाहिए जी, कैसे चाहिए, और कभी इनका सांभर वगैरह ठंडा नहीं हो, हमेशा गरम 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 सांभर, गर्मा गर्म डोसा। तो अभी हम बैठे हैं साउथ इंडियन कॉर्नर में और नाम से ही पता लगता है कि हम जैसे आपके सामने डोसा पड़ा है देख सकते हैं। तो साउथ इंडियन के नाम से हमारे सबसे पहले यही चीज़ आती है कि डोसा, इडली, ये सब है। और इसकी खुशबू, और हम भाई से हम कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको मसाला डोसा आपने ले रखा है? एक नंबर है भाई, एक नंबर। आप आते रहते हैं यहाँ पे? 10 साल से खा रहा हूँ मैं। 10 साल से? मेरा नाम भाई सुधीर चौधरी है, मैं रियल इधर सेंटर में मैनेजर हूँ, यहाँ पे मेडिकल कंपनी है बहुत बड़ी। मदन के डोसे में क्या स्वाद है, अफीम मिलाते हैं क्या मिलाते हैं? तो खाने का नशा हो जाता है फिर, एक बार जो खाएगा यहाँ तक भरने के बाद इच्छा करती है डोसा खाए जाए, मतलब एक अफीम का नशा। इंडियन बहुत से साउथ इंडियन कैफे हैं, कैफे क्या मतलब मद्रास कैफे नाम से बहुत सारे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है। बहुत से बंदे ऐसे काले पीले हैं और तंदूर का टीका लगा लेते हैं और बन जाते हैं साउथ इंडियन, ये ओरिजिनल है। पिछले 12-13 साल से यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, ठीक है, वो टेस्ट आज भी जीतते ही है और हमेशा रहेगा। अगर कुछ भी सबसे कम रेटों पर और सबसे अच्छा स्वाद चाहिए, एक बार जरूर आना भी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं भीड़ बहुत है आज के दिन भी, क्योंकि लंच टाइम है ना, तो अगर आप रात में या लंच के टाइम आते हैं तो भीड़ काफ़ी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है। जैसा कि आपने अभी तक देखा ही होगा, लोग काफ़ी आते हैं जगह जगह से। हमारा सांभर जी जी फेमस है यहाँ पे। हाँ जी, टेस्ट है। हाँ, इवन सांभर भैया कह रहे हो डोसे में भी एक ऐसा स्वाद है ना कि अगर आपने एक बार खा लिया तो आओगे ही आओगे। सब कह रहे हैं, आंटियों भी कह रही थी 20 साल से मैं आ रही हूँ, भैया कह रहे थे 10 साल से मैं आ रहा हूँ, मैं भी बचपन से आ रहा हूँ। पुराना कस्टमर है। तो हमने शॉप कवर ही इसलिए की क्योंकि भाई यहाँ का स्वाद ऐसा है ना, अगर आप एक बार यहाँ आ गए और आपकी जुबान पे लग गया तो खिच खिच के आओगे वापस।
क्या डाला भैया आपने? पिज्जा पेस्ट। अच्छा पिज्जा पेस्ट। ये डाली भैया ने अमूल मक्खन की टिक्की, पूरी एक टिक्की चली गई अंदर। ये यहाँ आ गई हमारी वेजिटेबल। इसमें भी भैया ने थोड़ा सा बेस मिलाया है, बेस का मसाला। ये डाला भैया ने खूब सारा पनीर, और अब पनीर इनके साथ हो गया मैच, और काफी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। भैया तो देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है, क्या इसकी प्राइस रहती है हमारे पिज्जा डोसा की? 180। तो 180 रुपये का ये पिज्ज़ा डोसा है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं इतना महंगा, उससे बेटर अगर आप ये खाएं तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होगा आपकी हेल्थ के लिए भी। और ये क्या है भैया? मोज़रेला चीज़। हाँ। तो ये भैया ने डाली मोज़रेला चीज़। तो ये पूरे पिज़्ज़ा पे इन्होंने इवनली स्प्रेड कर दिया है, और अब ये धीरे धीरे पिघल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल आइटम्स में हमारे पास चाइनीज सामान भी है सारा, चाउमीन वगैरह। ये देख सकते हैं आप। हाँ सारा भी। और ये इन्होंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। आ चुका है हमारा पिज्जा डोसा हमारी टेबल पे। भाई कैसा लग रहा है देखने में? भाई देखने में और खुशबू में तो कुछ आनंद ही आ रहा है। खुशबू में भी पिज्जा का ही स्वाद आ रहा है।